कोई बिरादरबाजी नहीं है, मैं याद अब हूँ, मैं ये नहीं है कि मैं अखिलेश को सपोर्ट करता हूँ, नहीं करूँगा बिल्कुल। जब मेरे हिंदू भाई का खून बहा है तो मैं जायज नहीं है उनका हंसना। अगर काश उनके इनकी जगह उनके बच्चे होते फिर क्या होता, फिर क्या करते वो लोग, वो हंस पाते नहीं, हंस पाते ना। मैं भी यादव हूँ तो इस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं करूँगा मैं उनकी तरफ से। हम तो ये चाह रहे हैं अखिलेश यादव इसमें हाथ बढ़ा के अपना सपोर्ट करें अपने सारे हिंदू भाइयों के लिए। अगर वो योगी की तरह चलेंगे तो ये जनता जितनी खड़ी है कोई अखिलेश यादव को बुरा नहीं बोलेगा। अगर अखिलेश यादव इनके खिलाफ जाएंगे तो हम भी गलत बोलेंगे, ये भी गलत बोलेंगे। लोग हंस रहे हैं, इस चीज़ को विरोध करो, इस चीज़ का आप इलेक्शन लड़ रहे हो एक अलग चीज़ है, खून से कोई मैटर नहीं है उस चीज़ का। इलेक्शन लड़ रहे हो आप, पार्टी वाले हो, सही बात है, हैं, लेकिन यहाँ सब भाई हैं सब लोग। तो मेरा तो यही चाहता हूँ कि जितने भी हिंदू भाइयों ने दुकानें दे रखी हैं सारी खाली करा दें, और जो भी समाजवादी पार्टी का नेता है, जो भी समाजवादी पार्टी का नेता इस पे हंस रहा है वो जायज नहीं है बिल्कुल भी। क्या है, सरकार तो बढ़िया है, यही सरकार रहे, हम लोगों को तो बहुत फायदा है इससे, हिंदू भाइयों को सबको फायदा है इससे। तो अभी आगे के लिए क्या मांगे कि एक का एनकाउंटर हो गया, एक अभी फरार चल रहा है? हाँ, एक फरार चल रहा है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसके घर पे बिल्डोजर चलाया जाए, यही हमारी मांग है सब लोगों की। जी मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, मुरादाबाद से हूँ, मेरा बराबर में ही ऑफिस है। अच्छा, बराबर में ही ऑफिस है। कैसे पता कैसे लगा? हमारा शाम को मीटिंग चल रहा था तो हमने सोचा, हमारे सर इधर से निकल के जा रहे थे, उन्होंने हमारे को बताया, बोले अभी घर पर रहना, अपने रूम पर रहना, ऐसा ऐसा मैटर हो गया है। तो हमने सोचा ये तो गलत हुआ, क्योंकि हमारा बराबर में ही ब्रांच है, हमारा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक से हूँ। तो हम तो यही चाह रहे हैं योगी जी से कि जितने भी इसके घरवाले हैं सारों चाहिए, इसका जैसा हमारे बच्चों का वंश मेटा इसने, वैसे इसका एक का नहीं, हमें पूरे का। और जितने भी मेरे हिंदू भाई हैं, जितने भी सारे, कोई बिरादरबाजी नहीं है, मैं यादव हूँ, मैं ये नहीं है कि मैं अखिलेश को सपोर्ट करता हूँ, नहीं करूँगा बिल्कुल। जब मेरे हिंदू भाई का खून बहा है तो मैं, जैसा कि आपने कहा कि यादव है, तो एक हाँ, समाजवादी पार्टी के एक नेता है शिवपाल सिंह यादव, हाँ, उनको यहाँ से इस बार अखिलेश यादव ने टिकट तो दिया है, लेकिन हाँ, उनसे जब पूछा गया है, एक और हाँ, नेता है रामगोपाल, तो वो इस बात को लेकर हंस रहे थे बकायदा, और उनका हंसना बिल्कुल बीजेपी ने करवा दिया, कोई जायज नहीं है उनका हंसना। अगर काश उनके इनकी जगह उनके बच्चे होते फिर क्या होता, फिर क्या करते वो लोग, वो हंस पाते नहीं, हंस पाते ना। मैं भी यादव हूँ तो इस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं करूँगा मैं उनकी तरफ से। हम तो ये चाह रहे हैं अखिलेश यादव इसमें हाथ बढ़ा के अपना सपोर्ट करें अपने सारे हिंदू भाइयों के लिए। अगर वो योगी की तरह चलेंगे तो ये जनता जितनी खड़ी है कोई अखिलेश यादव को बुरा नहीं बोलेगा। अगर अखिलेश यादव इनके खिलाफ जाएंगे तो हम भी गलत बोलेंगे, ये भी गलत बोलेंगे। इनने सारा टर्मिनेट जो दे रखा है सारा, मेरे बड़े भाई विवेक यादव जो यहाँ पर चुनाव लड़वाने आए थे, मैंने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी थी इस चीज़ की, शिवपाल यादव का, मैंने आपका आना भी यहाँ पे जायज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खलल पड़ चुका है पूरी तरह से, और ये लोग हंस रहे हैं। इस चीज़ को विरोध करो, इस चीज़ का आप इलेक्शन लड़ रहे हो एक अलग चीज़ है, खून से कोई मैटर नहीं है उस चीज़ का। इलेक्शन लड़ रहे हो आप, पार्टी वाले हो, सही बात है, हैं, लेकिन यहाँ सब भाई हैं सब लोग। तो मेरा तो यही चाहता हूँ कि जितने भी हिंदू भाइयों ने दुकानें दे रखी हैं सारी खाली करा दें, ये बेरोजगार होंगे तब इन्हें अकल आएगी। मैं मुरादाबाद से हूँ, मेरे हुआ कांड हुआ था जब बहुजन समाज पार्टी सरकार थी दिल्ली रोड, अगर यही वारदात यहाँ पे है ना, अगर मैं यहाँ का होता तो कसम से इसके घर वालों का ना, मोनू मानेश्वर है, मोनू मानेश्वर को मैं जानता हूँ, हरियाणा वाले को जलवा देते रातों रात, मोनू मानेश्वर जो गौरक्षक है, हम इस सरकार से अपील करना चाहते हैं कि उसके लिए छुड़वाया जाए, क्योंकि उसने दो मुसलमानों की जो गौ तस्करी करते थे हरियाणा में, उसके लिए सरकार ने अंदर कर रखा है, खट्टर सरकार ने, हरियाणा वाली ने, उसके लिए तुम हिंदू के लिए वो आगे बढ़ रहा है तो तुम उसे जेल में डाल रहे हो, ये चीज़ गलत है। बस मेरी यही अपील है योगी जी से, उसकी पूरी फैमिली का चाहिए, और जो भी समाजवादी पार्टी का नेता है, जो भी समाजवादी पार्टी का नेता इस पर हंस रहा है वो जायज नहीं है बिल्कुल भी। उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी नेता हो, इस चीज़ पर हंसेगा तो जनता उसे माफ़ नहीं करेगी 2024 के इलेक्शन में। तो दो बच्चों की निर्मम हत्या कर दी, कैसे, मतलब पता कैसे चला आप लोगों को? दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है, ऐसा होना नहीं चाहिए कभी भी, और इनके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो आपको कैसे पता चला, मतलब क्या ऐसा कुछ हो गया है? पता तो एक दूसरे लड़के ने बताया था, तब पता चला, तब भाग के पहुँचे थे हम, समझे। तो क्या मतलब कारण का कुछ पता चल पाया है कि क्यों ऐसा किया गया, दो बच्चों का क्या कसूर था, किस तरीके से उसे मौत के घाट उतार दिया गया? अब इसे तो कोई कारण घर वाले ही जान सकते हैं। पहले तो वो जो है चाय पीने के बहाने आया, रुपए मांगने के बहाने आया, उसके बाद में तो घर वाले ही जान सकते हैं क्या हुआ।
अभी सरकार से लाइक क्या मांगे? एक का तो इनकाउंटर हो चुका है, एक अभी सरकार तो बढ़िया है, यही सरकार रहे, हम लोगों को तो बहुत फायदा है इससे, हिंदू भाइयों को सबको फायदा है इससे। तो अभी आगे के लिए क्या मांगे? एक का इनकाउंटर हो गया, एक अभी फरार चल रहा है। हाँ, एक फरार चल रहा है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसके घर पे बिल्डोजर चलाया जाए, यही हमारी मांग है सब लोगों की। अच्छा, जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद कहा जा रहा है कि 7-8 साल से ये दुकान यहाँ पर लगती थी, तो कभी कुछ शक हुआ या कभी ऐसा लगा कि इस तरीके की मानसिकता है, ऐसा कुछ हो सकता है? ना, ऐसा कुछ नहीं था पहले, मतलब हिलमिल के रहते थे सबके साथ, हिलमिल के रहते थे, लेकिन इतना अंदर से थोड़ी पता था कि अंदर से इतना कह रहा है, और ये हिलमिल गए, ये तो मानसिक, इनकी मानसिकता ही गलत है। अच्छा, खबरों में कुछ और चीज़ें भी चल रही थी, कहा जा रहा था, सुनने के लिए आया कि जब बच्चों को मार दिया गया वहाँ पर, जब तुरंत लोकेशन पर पहुँचे तो ऐसे कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि वो खून वगैरह भी पी रहे थे वहाँ पर, ऐसे मौजूद थे, खून वगैरह पी रहे थे, छुरी चाट रहा था, छुरी चाट रहा था वो। तो ऐसा भी, मतलब ऐसी स्थिति देखने के लिए मिली जहाँ पर मारने, बच्चा जो है उसने ही बचा लिया, नहीं तो पूरे परिवार को मार देते वो तो, इस घटना से वो अंजाम इतना गहरा दिया था उसने पूरे पर। घर में आना जाना था, ऐसी आपसी रंजिश की बच्चों? नहीं नहीं, आपसी कोई रंजिश नहीं थी, घर में आना जाना भी नहीं, पहली बार गया था, पहली बार गया था, हाँ पहली बार गया था, ये बता रहे थे कि पहली बार आया है ये, उसने वो जो उनका ब्यूटी पार्लर खुला है उसे देखने के लिए, पहले उसे देखा कि कैसा खुलवाया भाभी जी आपने, हम भी देख लें, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया ऊपर के लिए, बच्चों ने कहा भैया को चाय बना लो, तब तक एक को काट दिया, दूसरा फिर मतलब पानी के लिए बहाने भेज दिया, और पानी के बहाने जब भेजने पर उसको भी दोबारा पानी लेके आया, उसको भी काट दिया, तीसरा जब देखने गया तब उसे पता चला है, तब उसने बचाया सबको कि मम्मी जो है दोनों भाइयों को काट दिया है, और जल्दी बचो जल्दी बचो, उन्हें भी बुलाता रहा वो, तो वो लेकिन अपनी चालाकी से भागे, वो भाग के बाहर से चैनल लगा दिया उन्होंने, गेट बंद कर दिया। अच्छा, इस मामले पर अब राजनीति भी हो रही है, समाजवादी पार्टी के एक नेता है वो इस मामले को लेकर हंस रहे थे। समाजवादी पार्टी के ऐसे ही करते ही रहेंगे ना, उनका तो काम ही ये है, तो वो हंस रहे थे इस मामले को लेकर, कह रहे थे बीजेपी करवाती है चुनाव से। बीजेपी थोड़ी करवाती है, बीजेपी इसमें क्या करवाएगी, बीजेपी का इसमें क्या कसूर है? तो अभी मतलब योगी सरकार से है कि बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, एनकाउंटर बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान में। इस वक्त हम बदायूं आए हुए हैं, वही बदायूं जहां पर एक दिल दहलाने वाली घटना जो है देखने के लिए मिली, जहां पर दो बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। साजिद नाम का व्यक्ति, जिसका आपको हम दिखाते हैं यहां पर, एक सेलन है, आइए हम आपको दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और तकरीबन 7-8 साल जो है, जैसा कि अगर आप बता दें कि रेसिडेंशियल जो है वो बता रही हैं कि यही वो आप कह सकते हैं दुकान है जहाँ पर वो लगाया करता था, ये सलन है, ये एरिया है, देखिए पूरा यहाँ पर वो दुकान लगाता था। और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका कहना है कि काफ़ी लंबा समय जो है यहाँ पर उसने बिताया है, 7-8 साल का लंबा समय बिताया है, और यहीं पर जो है उसका सलन था, लोग यहाँ पर बाल कटवाने के लिए आया करते थे। और उसके बाद अचानक से अब आपको वो घर भी दिखाते हैं जहाँ पर दो बच्चों की जो निर्मम हत्या है वो की गई है। जस्ट इस सेलिन के बगल में ही अगर आपको दिखाए तो एक ये घर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये घर है, और ये घर का ऊपर का छत है जहाँ पर बच्चों के साथ जो है वो काम किया गया था, वो आप देख सकते हैं एकदम सेलिन है यहाँ पर। और इसके जस्ट बगल में ही जो है ये घर है जहाँ पर दो बच्चों की जो है निर्मम हत्या कर दी गई थी। और इसके पीछे का कारण अभी तक जो है अगर आप कहेंगे कि स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर साजिद के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जो 7-8 सालों से यहाँ पर बसा हुआ था और आम लोगों के साथ घुल मिल कर रहता था, आम लोगों के साथ उसकी कोई भी अगर जो आप कहेंगे कि परेशानी जो है नहीं देखने के लिए मिल रही थी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसा कि हमने कुछ लोगों से बात भी किया कि कभी आपको शक लगा या कभी कुछ लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उनका कहना था कि हम रोज़ जाते थे उनके यहाँ बाल कटवाने के लिए, वहाँ पर जाकर हम बैठते थे, लेकिन हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि इस तरीके की कोई घटना को वो अंजाम दे सकता है। जिसके बाद हम आपको बता दें कि बगल में ही जो है ये घर है, अचानक से गया, लोगों की माने तो 5,000 रुपये जो है उसको ज़रूरत थी, जिसके बाद वो वहाँ पर गया हुआ था। यहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है, वहाँ पर वो गए, उसने बातचीत की, और उसके बाद वो धीरे धीरे जो है छत की तरफ बढ़ा और दो बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। बता दें आपको लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जो है इस वक्त जो है साजिद का इनकाउंटर कर दिया गया है, जावेद फरार चल रहा है, और साजिद के जो घर वाले हैं, जो उनके अगर आप कहेंगे कि पता है, जो उनके जो है और घर के लोग हैं, उन्हें जो है पुलिस उठा ले गई है, और अब इस मामले की जाँच की जा रही है। कहानी का कई सारा एंगल है, कई सारी चीज़ें हैं, किसी का कहना है कि आपसी रंजिश है, कोई जो है इसे जादू टोने से भी, टोटके से भी जोड़ कर देख रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि साजिद के से पहले 5 बच्चे हुए जो बच्चे रहे नहीं, टिके नहीं, उसके बाद बीवी की प्रेगनेंसी की बात भी निकल कर सामने आ रही है। तो कहानी के पहलू बहुत है, लेकिन सवाल यही है
कि 7-8 सालों से साजिद यहाँ पर दुकान चला रहा था, किसी को शक तक नहीं हुआ, किसी को भनक तक नहीं लगी। और रातों रात अगर आप देखेंगे एक बड़ा कांड जो है हो गया, जिसके बाद आम जनता जो है जग गई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो अगर आप देखेंगे लोगों की भीड़ है, जो सुन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्तंभ है कि इस तरीके की घटना को कैसे जो है अंजाम दे दिया गया है। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि 8 साल का एक बच्चा, एक 12 साल का बच्चा, उसे निर्मम जो है उसको आप कह सकते हैं उस तरह से उसकी हत्या कर दी गई है। लोग खुद परेशान हैं कि इस तरीके से घटना को कैसे अंजाम दे दिया। जो सुन रहा है वो यही कह रहा है कि जो योगी सरकार है उन्होंने एक का इनकाउंटर तो कर दिया है और दूसरे का इनकाउंटर होना चाहिए। कुछ लोगों की मांग है कि पूरे परिवार पर जो है बुलडोज़र का एक्शन भी होना चाहिए। इस तरीके की घटना जो है दिल दहला देने वाली है, और ऐसे में बुलडोज़र की कार्रवाई अगर होती है, इनकाउंटर अगर किया जाता है, तो फिर अगर आप कहेंगे कि जस्टिस जो है मिलेगा। आपका नाम? किशन ठाकुर। जिस तरीके से अभी दो बच्चों की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, क्या कहेंगे आप? मैम था नहीं यहाँ पे, मैं मुरादाबाद से आज आया। आपको पता चला, कैसे पता चला? इसके बाद मेरे भाई ने फ़ोन करा था, छोटा भाई है मेरा ये, तो मुझे पता चला था। इनने बोला था घर में उसमें मोहल्ले में कांड हो गया है, कोई दो बच्चे ख़त्म कर दिए। तो मैम किनके ख़त्म हो? तो उनके वो सामने घर है 3 मंजिल उनके हैं। तो मैंने ठीक है, तो मैंने बताइए, तो मैंने ऐसे बोला था, मैंने कैसे कैसे तूने ऐसे ऐसे इतना लंबा छुरा लेके आया, वो उनने बच्चों को मारा, तूने गलत हत्या करी बच्चों की। तो मतलब मैं तो ये कहना चाहता हूँ उसके लिए मतलब सही होना चाहिए। या एक का तो इनकाउंटर हुआ, एक फरार चला, एक को देखो ऐसा ना, हम सब हिंदू जाति है, ठीक है, बहुत देखो हमें नहीं मतलब है कैसे आप कैसे नहीं मारे, पुलिस कैसे, हमें मतलब नहीं है, क्योंकि वो है हिंदू जाति, कैसे करके हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये है मासूम, ठीक है, मासूम है, कैसे मारा मुझे नहीं पता। इनने बताया मुझे, फोटो भेजे थे, गर्दन फर्दन सब कटी हुई थी, खून ब्लड अभी ऊपर देख के आया था मैं, सारा ब्लड लगा हुआ था वहाँ पे। तो बहुत मासूम लोग थे, ठीक है बच्चे, अब इनने कैसे हत्या करी, दरंदे हैं ये, ठीक है, दरंदे हैं। अब इनके लिए तो सज़ा जैसी होनी चाहिए सेम वैसी होनी चाहिए। अच्छा, इस मामले पर जिस तरीके से भी बयान आ रहे हैं, दो बच्चों की हत्या हो गई है, लेकिन इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के एक नेता है जो हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तो बीजेपी ही करवाती है, चुनाव से ठीक पहले हिंदू मुस्लिम। नहीं, गलत है मैडम, गलत है ये, गलत है ये, गलत है ना। सारे लोग कहते हैं कभी कोई कांड हो जाता है तो कहते हैं अरे बीजेपी कराया है, अगले सरकार आ गई तो ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, धमकाता है। कांग्रेस सरकार आ गई तो उन्हें कह रहे वो तो योगी ने करवाया होगा, उन्हें योगी ने मरवाया होगा, समझे, शुद्ध मूसा वाला मरा तभी कही उन्हें योगी ने इन्हों करवाया है, ठीक है। और दूसरा मरा पानीपत में, उन्हें कहते अरे योगी ने करवाया इनकाउंटर। तो ऐसा ना, सारी फेक होती है, सारी फेक होती है। सरकार जो है बहुत अच्छी सरकार है, ठीक है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी सरकार है, ठीक है, सभी कोई बढ़िया, सारी जितने हमारे हिंदू बिरादरी है ना, सारों को बहुत अच्छी सरकार है। देखो ऐसा ना, सरकार होती है कहते अरे उनने ये करवा दिया, उनने ये करवा दिया, क्योंकि ऐसा ना आगे योगी नहीं जीते तो सरकार तो फैलाते हैं, उन्हें ऐसा ना इन्हें बुरा करेंगे हम तो सरकार हमारी आ जाएगी, ठीक है मैम। बस आपको कैसे पता चला इसके बारे में? मुझे तो, मैं कल 4-5 बजे टाइम पे आया, तो मुझ कुछ लोगों ने फ़ोन किया था मुझे, जगह था मोहल्ले में जी बात होगी बहुत, तो मैं आया तभी पता, उसी बात पता चला, कह रहे मर्डर हो गए। अच्छा, काफ़ी मैंने कुछ महिलाओं से भी वहाँ बात की, वो कह रही थी काफ़ी लंबे समय से जो है इनका दुकान यहाँ पर है, 7-8 साल का समय बता, साल हो गई दुकान को, 8 साल हो गई यहाँ दुकान, 8 साल कोई वेरिफिकेशन नहीं, नहीं, कुछ नहीं, 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 ना ना ना, वो तो रोज का आना जाना, कोई ऐसा कुछ भी ऐसा मामला देखने के लिए मिला जिसके वजह से एक व्यक्ति पर शक हो सकता है? अरे जो बताओ, जब हम जा रहे हैं उसके हम बाल कटाने, सेब बनवाने जा रहे हैं, अगर उसने हमारे गले पर रख दी उस तरह, तो हम ये बताओ, जे जा रहे हैं जी, सभी यहाँ जितने लड़के सभी जाते हैं उसकी दुकान पर। तो अच्छा, तो बच्चों के घर में ऐसा कहा जा रहा था कि आना जाना था, मतलब पहचान के थे? हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, आप क्या बताओ उनसे क्या उसके, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं भैया, वो उसने जो यह गलत किया, घर के अंदर गया कैसे वो जीवित, तो पता चले किस कारण गया, अब तो वो ही बताएगा, पुलिस ने पूछा होगा उससे, तो अब वो ही पुलिस बताएगी। अच्छा, क्या सरकार से क्या मांग है, जिस तरीके से अभी एक का इनकाउंटर हुआ है, एक अभी फरार चल रहा है, क्या क्या मांग तो यही हमारी, उसका भी बिल्कुल क्लियर। अच्छा, जिस तरीके से ये मामला देखने के लिए मिला है, तो एक डर, एक दहशत है कि ऐसा फ्यूचर में भी अगर इस तरीके का कोई मामला देखने के लिए मिल सकता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई? कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्या, वो जो भी करेंगे बाबा करेंगे, योगी बाबा अब जो भी करेंगे, हम तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर शासन करेगा, योगी बाबा करेंगे बस। अगर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ये क्या नाम है, साजिद तो इनकाउंटर हो गया और जावेद बचा, ठीक है, अगर जावेद को चलो मैं बोल रहा हूँ अगर छोड़ दिया जाए, तो कौन जिम्मेदारी ले रहा है
ये केस नहीं करेगा या मर्डर नहीं करेगा, ये यहाँ दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। ये ऐसा ना, ये ठीक है, ये नहीं सोचते हैं किसने किसने मार रहा है, किसने मार रहा है, ये इन लोगों को, ठीक है। क्योंकि ऐसा है ना, ये खराब है, क्योंकि ये है ना आतंकवादी होते हैं, बॉर्डर पे देखते हैं अपने, हमारे फौजी भाई जगते हैं, ठीक है, और हम सोते हैं, तब हम जी पाते हैं। क्योंकि ये ऐसा, अगर ये लोग अगर हमारे फौजी भाई नहीं जगें तो ये कब का हम लोग को मार देंगे, ठीक है। इसलिए मेरे ये गुजारिश है, इसका इनकाउंटर